फ्रेंड्स आप लोगों का मेरे चैनल साइना पार्ट में स्वागत है आज मैं क्रॉचेट से लड्डू गोपाल जी के लिए एक उलेन ड्रेस बनाने जा रही हूँ बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना चलिए हम वीडियो का स्टार्ट करते हैं यहाँ पे हमें फोर्टीन चेन्स बना लेनी है अब हमें क्या करनी है थ्री चेन्स का गैप छोड़ के हमें यहाँ पे डबल क्रोशे बनानी है यहाँ पे हमने थ्री चेन्स का ये गैप छोड़ा फोर्थ वाले चेन में हमने एक डबल क्रोशे बनाया ऐसा करते हुए हमें हर चेन स्टिच में एक एक करके डबल क्रोशे बना लेनी है अब हमें यहाँ पे दो चेन्स बना लेनी है अब हम इसको टर्न करेंगे अब हमें ये जो फर्स्ट वाला हुक है यहाँ पर हमें एक डबल क्रोशे बना लेनी है इस राउंड में हमें हर स्टिचेस में दो दो डबल क्रोशे बनानी है। हमने यहाँ पे एक चेन बनाया था ये तो इसलिए हमने यहाँ पे एक डबल क्रोशे बना लिया अब इसके नेक्स्ट वाले हुक में भी हमें दो डबल क्रॉशे बनानी है ये एक सेम हुक में हमें एक और बनानी है ऐसा करते हुए हमें पूरा राउंड कंप्लीट करनी है मैं पूरा राउंड कंप्लीट करके आप लोगों को दिखा रही हूँ तो देखिए मैंने ये वाला राउंड कंप्लीट कर लिया अब हमें फिर से दो चेन्स बना लेनी है फिर से हम इसको टर्न करेंगे अब हमें क्या करनी है इसका जो नेक्स्ट वाला हुक है यहाँ पर हमें एक डबल क्रोशे बनानी है क्योंकि पहले वाला जो चेन बनाया था इसको हम एक डबल क्रोशे काउंट करेंगे तो से इसके सेकेंड वाला जो है इसमें हमने एक डबल क्रोशे बनाया इसका जो थर्ड वाला हुक है यहाँ पे हमें दो डबल क्रोशे बनानी है ये सेम हुक में एक और इसके नेक्स्ट वाले हुक में एक डबल क्रोशे के नेक्स्ट वाला इसमें एक डबल क्रोशे और ये जो तीसरा वाला इसमें हमने दो डबल क्रोशे बनानी है ये एक सेम हुक में एक और इस राउंड में हर थर्ड स्टिचेस में हमें दो डबल क्रोशे बनानी है तो ऐसा करके मैं पूरा कंप्लीट करके आप लोगों को दिखा रही हूँ एक दो यहाँ पे हमारा तीसरा वाला घर नहीं बचा तो इसके हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे जो हमने चेन्स लिया था इसका जो लास्ट वाला है यहाँ पे हमने दो डबल क्रोशे बनानी है यहाँ पे टोटल हमारे थर्टी टू डबल क्रोशे हैं अब हमें क्या करनी है फिर से हमें दो चेन बनानी है अब हमें क्या करना है अब हमें इसको ऐसे डिवाइड करना है तो हम अभी क्या करेंगे यहाँ पे हमने फाइव डबल क्रॉश को लेना है यहाँ पे फाइव लेना है यहाँ पे हमें टेन डबल क्रॉशे लेना है और बाकी दोनों साइड में छः छः करके डबल क्रॉश हमें गैप छोड़ना है यह हमारा हो गया एक डबल क्रोशे। अब इसके नेक्स्ट में एक डबल क्रोशे ये हो गया दो इसके नेक्स्ट में ये हो गया थ्री फोर फाइव इसके बाद हमें डबल क्रोशे का गैप छोड़ना है वन टू तो, थ्री फोर फाइव सिक्स यहाँ से हमें टोटल डबल क्रोशे बनानी है यह हो गया एक, दो तीन चार पाँच छः नौ, ये दस, टू फोर, फोर सिक्स एट टेन अब हमें फिर से सिक्स डबल क्रोशिया का गैप छोड़ना है टू फोर सिक्स यहाँ पर 5 double crochet One, two, three, four, five. तो इसके नीचे हम एक और राउंड बना लेंगे हर स्टिचेस में एक एक करके डबल क्रोशिया करके मैं इसके नीचे एक और राउंड बना लूँगी दो चेन्स बनानी है तो मैं ये पूरा राउंड कंप्लीट करके आप लोगों को दिखा रही हूँ तो देखिए मैंने इसके नीचे एक और राउंड बना लिया तो हमारा ऊपर का कुछ ऐसा दिख रहा है अब हमें इसके नीचे घेरा बनानी है तो मैं नेक्स्ट वाले वीडियो में इसके नीचे का घेरा बनाना दिखाऊंगी अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे अगर मेरे समझाने का तरीका आप लोगों को अच्छा लगे तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए मुझे कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी बनी चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक यू